नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बस्ती जिले के कुदराहा ग्राम पंचायत के प्रधान बड़े दबंगई पर उतारू हो गए हैं। गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। मामला कुदरा के प्रधान के पिता द्वारा बेची गई जमीन पर अपना मकान निर्माण करके दो बच्चों के साथ पति पत्नी रह रहे थे। बीच में डायलिसिस होने के कारण आगरा में दवा चल रही है। पूर्व में आगरा में ये लोग नौकरी करते थे। हाल ही में अपने पिता को लेकर दवा कराने गए। इसी बीच प्रधान द्वारा जेसीबी बुलवाकर मकान को ढा दिया गया। मकान में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। प्रधान द्वारा पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। मेरे पिताजी की जमीन थी, मैंने ले ली। थक हार कर चौकी पहुंचा जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं कर रही क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। जब लालगंज थाने पहुंचा वहां भी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जाकर अपनी दास्तान सुनाई, अपने कागजात पुलिस अधीक्षक को दिखाए। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन देते हुए कहा, तुमको न्याय मिलेगा। अगर प्रधान तुम्हारा मकान गिरा रहा है तो पूरा मकान प्रधान द्वारा बनवा कर दिया जाएगा। दोबारा लालगंज थाने गया तो वहां मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जिससे प्रधान का मनोबल बढ़ गया। उसके परिवार और प्रधान पीड़ित परिवार के ऊपर दबंगई दिखाने लगे। लाचार होकर पीड़ित ने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस और प्रधान के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन पीड़ित को कितना मदद देता है अब ये देखना होगा। प्रधान से उसका आशियाने का निर्माण करवाएगा। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बस्ती जिले से ब्यूरो अमित शुक्ला की रिपोर्ट। आए थे तो उसके बाद हम उनके डायरेक्ट उनके घर पे गए और उनसे हमने कहा कि भाई हमारी मिट्टी क्यों पटवा रहे हो, गरीब आदमी, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जो कुछ बची खुची यही जमीन है। मैं तो उन्होंने कहा अब नहीं, तुम्हारा रजिस्ट्री तुम्हारी जमीन पड़ती है और हम तुम्हारी जमीन की तरफ नहीं करेंगे। हम विश्वास करके हमारी तबीयत खराब बहुत हो गई, हम चले गए डायलिसिस कराने शहर में और डायलिसिस कराने गए। उसी बीच में इन्होंने हमारे जमीन आगरा चला गया। आगरा में डॉक्टर है, डॉक्टर प्रतुल गुप्ता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दशरथ और बर्तुल। जब ये मकान गिरा तो इसमें कोई था कि इसमें मकान में कोई नहीं था। मकान में क्या क्या था आपका? मकान में गृहस्थी का सामान था और माइक्रोवेव कोई और सामान नहीं था। गृहस्थी का सामान था, कुछ वो अलमारी ऊपर बनी थी उसमें कुछ गुप्त रूप के जेवर रखे हुए थे, बस और कुछ नहीं। थाना हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहते। हमारे पास घटना घटी है, इन लोगों ने, हम अपने पति के लेके अस्पताल में जूझ रही थी, इन्होंने हमारा मकान खाली देखा, एसीबी लगा के हमारा मकान तोड़ दिया इन लोगों ने और हमें घर से बेघर कर दिया। हमारे पास बच्चे हैं छोटे छोटे, हम सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। हमें अन्याय। कौन तोड़ा है आपका घर? ये तोड़े हैं, अरे प्रधान जी। प्रधान जी तोड़े हैं। क्या नाम है? इंद्र कुमार। कितने साल पहले आप लोगों ने घर का निर्माण कराया था? 30 साल पहले। आपने बैनामा कराया था? प्रधान का इससे पहले भी कुछ आपके ऊपर दबाव पड़ा था या क्या? गिरवाया था जब रहे। क्या उनसे आपने बात किया था? बात की थी, मीठे मीठे बोल के हम लोगों, उनके हमारे पति के, उन लोगों ने सीधा समझ के पुलिस केस करने नहीं दिए। फिर हम लौट गई, अकेली हो के मैं गई नहीं थी। और आप लोगों ने कभी शिकायत किया इसका थाने पे जाकर? या नहीं करी शिकायत, उन लोग करने नहीं दिए। बोले अब जो गलती हो गया हो गया, अब दोबारा नहीं होगी, अपने घर में रहो। तुम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं है संतुष्ट। क्या चाहती है? हम अपने घर के सोच रहे हैं, हमारे पूरे घर की मुआवजा दें, जितना नुकसान हुआ है हमारे घर के, हमारे सामान के। कितना नुकसान हुआ होगा लमसम? उसमें घर की गृहस्थी थी और हमारे सास का जेवर थी। कितने कमरे हैं मकान के? दो कमरा एक गलिया। ये चाहते तो थे लेकिन पापा की ऐसी हालत थी कि हमको बार बार लेके भागना पड़ रहा था घर छोड़ के। यही दिक्कत हुई है, वो हमारा घर खुला पा गया है, खाली पा गया है, तुरंत गिरा के पूरा घर ईंट ईंट पूरी गिरा दी उसने। क्या नाम है जो गिराया? उसका नाम है इंद्र कुमार। ओमकार इंद्र कुमार। क्यों गिराया? दबंगई के दल पे जानता था कि हम लोग परेशान हैं, हमारे घर का पैसा, हमारी कमाई, हमारी पापा की हेल्थ के लिए लग रहा है, उसे पता था।
इसी वजह से गिराया, हम ही तीनों बच्चे हैं। वो कमजोर समझ के आपका जमीन पर क्या नहीं। तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? यही मांग करना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। हमारा घर तोड़ा है, हमारा घर बनवा के दे, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे? रोड पे रहें क्या? कैसे रहें अब हम? ऐसे कैसे कोई, कैसे गवर्नमेंट के होते हमारा घर कोई गिरा सकता है? ऐसे कहाँ सो रही है गवर्नमेंट? बगल में 200 मीटर पे चौकी है सर, उनके उनको भी नहीं पता। 200 मीटर पे सब लोग हैं सर। शिकायत आप लोगों ने कहीं किया कि नहीं किया था सर? उस दिन चौकी इंचार्ज छुट्टी पे थे सर। शिकायत भी किए हैं, सब कुछ कर रहे थे। और सर जिसकी तीन दिन से एफआईआर हुई है, जिसकी सर जेसीबी थी सर, वो कार रोक के दो तीन गुंडों को बुला के मारने के लिए हमें बोला। और जो धारा लगाए हैं वो संतुष्ट नहीं है, इतना बड़ा कांड किया है, छोटी मोटी धारा लगा के छोड़े हैं। घर गिराने से पहले कुछ नहीं बोला है, हमारे घर में रोना पिटना पड़ गया था, पापा की आवाज़ वगैरह सब बंद हो गई थी। रो रो के सब लोग वहीं से आगरा में पापा को लेके वहीं हॉस्पिटल में ही थी। बजाजा कमेटी नाम की एक वो है, डायलिसिस सेंटर है, बहुत बड़ी आगरा में सब जगह चल रही है। वहाँ के भी डॉक्टरों ने इनको तुरंत इंजेक्शन वगैरह लगा के बेहोश किया ताकि इनको सोच ना पड़े। इतना बुरा हाल हुआ है हमारे परिवार का, हमको रोड पे खींच के ले आया एक झटके में। रोड पे भटक रहे हैं वो लोग, अपने घर में ऐश कर रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं सर गांव में। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको हमने बोला कि भाई उसने हमारा घर तोड़ दिया और वो आराम से घर में बैठा हुआ है, आराम से घूम रहे हैं। हमको रोड पे फेंक के नहीं पड़ रहा है, और हम कमजोर है, हमें पता है, हम तो एक तो बच्चे हैं, हम पहले ही कमजोर थे, उसी का फायदा उठाया उसने। कहाँ जाए बरसात के मौसम में? कुदरा के प्रधान उन्हीं ने ये घर तोड़ दिया और हमको इस हालत पे कर दिया है कि हम लोग कहीं अब रह भी नहीं सकते, और ना इसके अलावा हमारे पास कोई घर है। आगरे में भी कोई घर नहीं है, यहाँ पे गांव में घर था वो भी ढह गया। आगरा में क्या करते हैं? आगरे में सर हम पढ़ाई करते हैं, हम मजदूरी करते हैं। और इसमें क्या क्या सामान था, कैसे पता चला आप सब लोग के घर गिर गया? या बगल के लोगों ने फ़ोन किया, बताया कि घर गिर गया, मैं मौजूद यहीं था, बस्ती में ही था, तो आया फिर मैंने देखा मेरा घर तो टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ था। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।